हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बिंदास सूर्य ब्लॉग एंड वेलकम टू माय वीडियो एंड वेलकम टू साउथ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम एक साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस फोर्ट में घूमने आए हैं, जिसका नाम है शंकागिरी फोर्ट। और मेरे साथ मेरे मित्र आए हैं शिवा। हाय बोलो। हाय। तो शिवा आए हैं, ये थोड़ा बहुत तमिल लैंग्वेज की जानकारी है, तो इसलिए मैं साथ लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलती। और ट्रेवल करने के लिए जहाँ जाओ वहाँ की लैंग्वेज की जानकारी होना ज़रूरी है। सो दोस्तों, बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर किला है। तो अभी हम किला के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि नीचे थोड़ा धूप थी, तो इसलिए मैं मेन गेट का आपको ब्लॉग लास्ट में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा पाया। तो चलो चलते हैं ऊपर और सैर कराते हैं आपको एक बहुत ही साउथ इंडिया के फेमस फोर्ट की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं गूगल मैप के सहारे, तो एग्जैक्टली पहुंच गए हैं अपने जगह पर। लेकिन हमें तो बहुत डर था, क्योंकि गूगल के सहारे पता नहीं, कई बार मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा है कि नेशनल हाईवे की जगह कहीं जंगल में अटका देते हैं, लेकिन हम लोग तो आसानी से आ गए हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो अभी बहुत ऊपर तक ये फोर्ट है, उधर वो वहाँ ऊपर ऊपर तक अभी हम जाएंगे और आप लोगों को ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी वहाँ ऊपर हमें जाना है, ऊपर वहाँ वो जो दीवारें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, वहाँ तक आपको दिखाएंगे। सो दोस्तों, हमारी हालत अभी ऐसी हो चुकी है और यहाँ से कुछ ऐसा है नीचे का नज़ारा। हम इतनी दूर आ गए हैं, लेकिन अभी हमें एक भी बंदा नहीं मिला, तो ऐसे मन में थोड़ा घबराहट भी हो रही है, क्योंकि यार यहाँ कोई नहीं आता जाता। इतना बेस्ट प्लेस है, इतना सुंदर प्लेस है, लेकिन हम नीचे पूछे भी हैं आदमी से कि यहाँ जाना अलाउ है, बोले हाँ आराम से आप जा सकते हो। जल्दी से घूम के नीचे चलते हैं, क्योंकि मन में डर लागे भाया। ये सब गुफाएं मानव निर्मित, आराम करने के लिए। अरे भैया, कितना ऊपर अभी जाना पड़ेगा। एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ, एकदम खड़ी चढ़ाई है। हालत खराब हो गई। शुक्र है भगवान का कि अभी धूप नहीं है, धूप होती तो बस। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पानी भी नहीं लाए साथ में पीने के लिए, तो इससे गला भी सूख रहा है। जल्दी नीचे जाना पड़ेगा हमें। कुछ ऐसा है नज़ारा। क्यों, क्या हाल है? ठीक हाल है। चलिए। तो दोस्तों, यहाँ ऊपर हमें एक छोटी सी गुफा मिली है, और यह मानव निर्मित गुफा है, तो यहाँ थोड़ा रेस्ट करते हैं। और यहाँ शांति तो ऐसे है कि पूछो ही मत, कोई एक भी शोर कहीं से नहीं आ रहा, और यहाँ कोई है ही नहीं हमारे सिवा, तो शोर कहाँ से आएगा। और एक और हमें यहाँ गुफा टाइप की मिली है, जो कि हम अंदर तो भैया बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही, कुछ ऐसा नज़ारा है आप देख सकते हैं ये यहाँ का।
एक और गुफा हमें यहाँ नजर आई है, देखते हैं ये इधर, ये देखो एक गुफा नजर आई हम, और ये उसी जमाने की गुफा है जिस जमाने में किला बनाया गया था, क्योंकि यहाँ जो ईंटें इस्तेमाल की गई हूँ काफ़ी प्राचीन ईंटें हैं, बहुत ही छोटी छोटी ईंटें हैं, बहुत छोटी छोटी, तो ये उसी जमाने की गुफा है। चलो चलते हैं उस पार, थोड़ा देखते हैं शायद नीचे दिखाई देगा। ये हम आ गए बहुत ही, ये भी जो दीवार आपको दिख रही है ये भी उसी ज़माने की है, इस ज़माने में ये किला रेडी हुआ था। फिलहाल तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है ये किला, काफ़ी नष्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी देखने को, बस कुछ ही कुछ चीज़ें मिलेंगी। और ये है भाई साहब नीचे का नज़ारा, ये देख सकते हैं यहाँ से नीचे इतनी ऊंचाई में हम आ गए, और हमारे भाई साहब देखो कहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बस भैया अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, यहाँ से नीचे लौट चलेंगे, क्योंकि हम ही दो बंदे हैं यहाँ, ठीक है ना। इस जंगल के किले में, और नीचे का भी वो देखो, वहाँ आपको एक छोटी सी झील दिखाई दे रही है। तो अभी हम जाएंगे नीचे और नीचे का ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि मैं जब आया था तब तो नीचे का ब्लॉग नहीं बना पाया, जब आधे किले के अंदर आ गया था तब से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो अभी जाएंगे और नीचे के भी वो आपको दिखाएंगे मेन गेट का। तो दोस्तों हमने जब ऊपर की ओर जब जा रहे थे तब तो बड़े मज़े से एकदम जा रहे थे, बढ़िया जल्दी जल्दी, लेकिन जब नीचे उतरने की बारी आई, ये पत्थर हैं और ये इतने फिसल रहे हैं कि थोड़ी सी अगर सावधानी हटी समझ लो मिट्टी चटी, तो बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा हमें। लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब रास्ते इतने खूबसूरत हों तो मंजिल मिले ना मिले कोई ज़्यादा परवाह नहीं होती, और रास्ते हमें बहुत ही खूबसूरत मिले। सो दोस्तों अभी हम नीचे आ गए हैं, और नीचे एक संग्रहालय टाइप का कुछ बना है, लेकिन वहाँ गेट लगा है, अभी अलाउ नहीं है जाने को, तो वहाँ भी हम नहीं जा सकते। और हम वहाँ गए थे, वहाँ ऊपर जो देख रहे हैं ना वहाँ तक घूम के आए हैं, और अभी यहाँ कुछ चीज़ हैं जो हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर एक बावड़ी बनी है, काफ़ी खूबसूरत बावड़ी है, पानी भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का, वाओ। चले भैया मगर मच ना हो। तो इस किले में एक ये भी स्थान है, ये एक टेंपल बना हुआ है, और ये जो मेन गेट है वो अभी और नीचे है, हमें अभी उधर अभी और नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो व्यू है वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है आप।
ये देखो। और उधर हम ऊपर गए थे, वहाँ हम ऊपर गए थे, और गर्मी तो इतनी है कि हालत ख़राब हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है इस किले का मेन गेट, और यहाँ से आप आराम से अंदर जा सकते हैं और हमारी तरह घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब जब जाएं तब पानी लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है। ये है इसका मेन गेट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। और इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।